अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉकिंग स्पोर्ट्स पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अभी इंडिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बना चुके हैं और 160 का जो है तकरीबन टारगेट है। हमारे साथ मौजूद है सुमेर मुफीज और फवाद अब्बासी मौजूद हैं, दोनों से बातें करेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह की बैटिंग करी और इंडिया ने किस तरीके की बॉलिंग करी। सबसे पहले बात करेंगे सुमेर साहब से कि रिजवान और बाबर के बारे में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करें हमें उनकी बैटिंग के बारे में। भाई रिजवान देखा जाए तो यार रिजवान कुछ मैचों से मैं देख रहा हूँ कि रिजवान बहुत स्लो बैटिंग कर रहे हैं, मतलब नर्वस हो रहे हैं, हर मैच में नर्वस हो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब बैटिंग में उनसे ना शॉट लग रहे हैं ना कुछ शॉट नहीं लग पा रहे, डर डर के खेल रहे रिजवान। और बाबर आजम का भी फिलहाल यही हाल है, अभी बाबर आजम भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा ओपनर ही जब कुछ नहीं कर पाएगा तो मिडिल ऑर्डर क्या करेगा। अभी आज माशाल्लाह अच्छी बात है, मिडिल ऑर्डर ने हमारा कमबैक किया है। जिस तरीके से आज इफ्तिखार ने बैटिंग करी है, जिस तरीके से आज शान ने बैटिंग करी है, आज मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान आज 100 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर ने अपनी बैटिंग करी है उसके हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने रन बनाया, 160 टारगेट दिया है। मैं तारीफ करना चाहूंगा शान मसूद की और खास तौर पे क्या बताएं इफ्तिखार अहमद की कि उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। इफ्तिखार अहमद की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, एक ही ओवर के अंदर तीन तीन उन्होंने हिट लगाई है, तीन तीन छक्के मारे, बड़े लंबे लंबे छक्के मारे। तो अब जो है थोड़ी सी बॉलिंग के बारे में बात करेंगे इंडिया की, तो फवाद साहब हमें बताएंगे कि बॉलिंग इंडिया ने कैसी करी। देखें इंडिया, आप सबको पता ही है कि इंडिया एक ऐसी टीम है जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर उनका ओपनर जो है ना वो आउट हो गया तो पूरी टीम जो है वो लाइन लग जाएगी, ऐसा नहीं है। उनका लास्ट का प्लेयर भी, जैसे आज हमारे शाहीन ने लास्ट में आके जो है वो दो छक्के मारे और ऐसे परफेक्ट छक्के मारे जो जैसे बिल्कुल बैट्समैन हो, बॉलिंग नहीं हो, बॉलर नहीं हो, ऐसा लग रहा बैट्समैन है वो, इतने परफेक्ट छक्के मारे। तो बताने का मकसद ये है, अब इन्होंने बॉलिंग करी, अब इंडिया ने जो शुरू के दो ओवर तीन ओवर किए जिसमें रिजवान और बाबर हमारे आउट हुए, बेहतरीन, मतलब इनको तो जज ही नहीं करने दिया उन्होंने। आप इस बात से अंदाजा लगाएं वर्ल्ड कप में वो इतनी प्रिपरेशन कर आए थे अपनी बॉलिंग की। अच्छा सब जगह मशहूर है जी पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतरीन है, आउट क्लास बॉलिंग है पाकिस्तान की, तो इन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम किया। इन्होंने पहले टॉस जीता, टॉस जीत के अब ज्यादातर जिसकी बैटिंग जो है मजबूत है पूरी दुनिया में पता है उसने बॉलिंग क्यों सेलेक्ट करी, उसने अपनी बॉलिंग पे काम किया हुआ था, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन उन्होंने ऐसी कड़क रखी हुई थी कि बेहतरीन हो गया। अब उन्होंने जो शुरू के दो ओवर कराए, कहने को हमारे वर्ल्ड बेस्ट वो हैं बैट्समैन और आप देखें उनको तो बॉल ही नहीं दिख रही, वो ऐसी बॉल पढ़ के कहां जा रही है किसी को समझ ही नहीं आ रहा। हमारे ये टॉप बैट्समैन है, आईसीसी ने भी ऐलान किया है कि ये टॉप पेयर बैट्समैन है ये लोग दोनों, बाबर आजम और रिजवान, लेकिन आज किस तरीके की इन्होंने बैटिंग करी है यार, इतना डर डर के खेलेंगे यार, हद होती है यार। पाकिस्तान इंडिया का मैच है यार, पहला मैच है, आप पहले मैच में यार इस तरह करोगे। जिस तरह इन दोनों ने बात करी कि रिजवान और बाबर टोटली फ्लॉप हुए जा रहे हैं, टोटली फ्लॉप हुए जा रहे हैं यार, आप एशिया कप में देख लो ना, एशिया कप में उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया एशिया कप में। एशिया कप में तो बाबर आजम तो बिल्कुल फ्लॉप रहा, उसके बाद सीरीज और ट्राई सीरीज उसमें भी कुछ नहीं किया उन्होंने फिलहाल, लेकिन जो बॉलिंग इंडिया ने आज करी है बहुत अच्छी। अर्शदीप जो है उन्होंने पहले अपना कैच छोड़ा था, लेकिन जो इस मैच में उन्होंने काफी ज्यादा कमबैक किया है, तीन जो हमारी है मेन विकेट्स वो लेकर गए, हारिस अली जो है, हैदर अली जो है हमारे और आसिफ अली जो है बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए, ये दोनों हमारे जो मेन बैट्समैन है ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया की जो बैटिंग है वो तो सबको पता है, दुनिया में पूरी मशहूर है चेस करने में, वो माहिर है, उन्होंने पहली बॉलिंग, लेकिन आज करी है। आज मुझे पक्का यकीन है ये लोग हारेंगे, क्योंकि आज शाहीन भी विकेट निकालेगा, हारिस रऊफ भी निकालेगा और नसीम शाह भी निकालेगा, तीनों ये लोग ना इंडियन के पूरे मिडिल ऑर्डर को भी तबाह करेगा और ओपनर को भी तबाह। देखिए सुमेर, देखिए दिली ख्वाहिश तो हम सबकी यही है कि पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, और हमारे इमोशंस जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन कहीं पे मुझे कोई 10-20 रन जो है कम मिल रहे हैं, काफी कम मतलब, है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि टाकरा होगा आज, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है, देखने लायक होगा, लेकिन मुझे रन जो है कम लग रहे हैं। ये इंडिया की टीम में से बैटिंग काफी उनकी, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड इतना वो नहीं है, बैटिंग पिच नहीं है, देखा जाए बॉलिंग पिच है, तो कहना आप क्या बोलते हैं पॉसिबल नहीं है कि यार इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। आप शाहीन को भूल रहे हैं शायद, तो यही तो बोला आप शाहीन को भूल रहे हैं, शाहीन आ गए वापस,
शाहीन जलवा दिखाएंगे अभी नहीं, आप देख सकते हैं शाहीन के बगैर भी आरिस रऊफ ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, नसीम शाह ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन है, पहले शाहीन से डरते थे, नसीम से भी डरने लगे इंडियन प्लेयर जो है, उसके बाद हारिस तो हमारा ऐसी बॉलिंग करा रहा है, हारिस की तो फॉर्म बहुत जबरदस्त है। आते ही पहली बॉल पे अभी छक्का भी लगाया हारिस रऊफ ने, उनका कॉन्फिडेंस मुझे इतना हाई दिख रहा है कि आज वो परफॉर्म करने वाले हैं बॉलिंग के लिहाज से, बहुत मजा आने वाला है, मजा आने वाला है भाई। अभी बैटिंग तो बॉलिंग तो हमारे को देखनी है, पाकिस्तान की बहुत अच्छी बॉलिंग करेगी आज, देखना मैं, ये मेरे दिल की बात है, पाकिस्तान आज बॉलिंग करके दिखाएगी और इंडिया को 100 भी नहीं करने देगी, ये बोलता हूँ मैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इनिंग का इंतजार करते हैं, नेक्स्ट इनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद हमारा शो जो है कंटिन्यू होगा, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बड़ा